हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब तक आप अपनी वीडियो का SEO अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे और आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं होगा। और वीडियो का SEO करने के लिए बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन हैं दो, vidIQ और TubeBuddy। आपने इनका यूज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल ब्लेड को यूज़ करना सिखाऊंगा, जिससे आपको किसी भी चैनल की कंप्लीट जानकारी तो प्राप्त हो ही जाएगी और इसके साथ साथ आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, उन पर व्यूज़ सब्सक्राइबर ये सब आपको बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आपका चैनल ग्रो होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने गूगल खोला हुआ है, ठीक है। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउजर में सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको गूगल पे सिंपल टाइप करना है सोशल ब्लेड, और उसके बाद आपके यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाएगा socialblade.com भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है आपको। तो इस तरीके से इसका ये होम पेज है, होम पेज आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल ब्लेड लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको। अब ये पेज ओपन हो रहा है थोड़ा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं, मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विच, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, टेलीमोशन, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। हमें यूट्यूब के लिए यूज़ करना है तो हम सिंपल यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी चैनल का नाम डाल सकते हैं। आप अपने चैनल का भी देख सकते हैं या किसी बड़े चैनल का भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बड़े चैनल का नाम डाल के दिखा देता हूँ, जैसे टेक्निकल योगी सर हैं, मैं उनका आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। जैसे ये टेक्निकल योगी, उनके चैनल का नाम है, ये डाल के हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये उनके चैनल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो, ये लोगो लगा हुआ है उनका, ये बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007 अपलोड्स इन्होंने वीडियो डाली हुई है यहाँ पे। यहाँ पे सब्सक्राइबर इनके दिखाई दे रहे हैं, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और इनके वीडियोस व्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब तक इनकी वीडियोस पे जितने भी व्यूज आए हैं वो टोटल व्यूज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीज आप देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही है, कौन सी कंट्री से है। चैनल टाइप क्या है इनका, टेक का चैनल है, तो टेक का चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी पता लग रहा है कि इन्होंने चैनल कब क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2016 को इनका चैनल क्रिएट किया गया था, इन्होंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये यूजर समरी है, यहाँ पे आपके सामने ये समरी आ जाती है सारी की सारी। तो मैं आपको सारा अच्छे से डिटेल में इसको यूज करना बता दूंगा, ठीक है। ये बी ग्रेड मिला हुआ है इन्हें, ये अपने हिसाब से देता है सोशल ब्लेड। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल ब्लेड रैंक इनकी, ये नंबर है इनका 86,744वां सोशल ब्लेड पे ये रैंक है। सब्सक्राइबर रैंक इनकी है 1129 रैंक। वीडियोस व्यूज रैंक है इनकी 50,741, ठीक है। और कंट्री रैंक है इनकी 740। यहाँ पे टैक रैंक भी शो करता है, 228वीं इनकी टैक रैंक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर फॉर द लास्ट 30 डेज, मतलब लास्ट एक महीने के अंदर आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर आए हैं, या किसी के भी जिसका भी आप चेक कर रहे हैं उसके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर आए हैं वो यहाँ पे शो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30,000 सब्सक्राइबर आए हैं। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है कि मंथली इनकी कितनी कमाई हो रही है, तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इतने 1.2K डॉलर से इनकी जो अर्निंग है 18.9K डॉलर तक है। तो इतनी अर्निंग इनकी हो रही है, इसके बीच में जो अर्निंग है वो इनकी हो रही है मंथली। उसके बाद यहाँ पे वीडियोस व्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इनकी वीडियो पे लास्ट 30 डेज के अंदर जितने भी व्यूज आए हैं वो यहाँ पे हैं, 4.737 मिलियन व्यूज मिले हैं इनको लास्ट 30 डेज में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैनल है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ के हिसाब से वीकली इन्हें कितने सब्सक्राइबर मिले हैं,
वो यहाँ पे आप शो हो रहा है। जैसे जैसे आप इन पे पॉइंट करते जाएंगे आपको दिखाता जाएगा कि इस दिन कितने सब्सक्राइबर मिले वीकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साल की कमाई इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे 14.2K डॉलर से 227.4K डॉलर तक इनकी कमाई है। काफी बड़ा चैनल है। टोटल वीडियोस व्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीकली का ये ग्राफ है कि एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर इन्हें कितने व्यूज मिले हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं पे भी पॉइंट आउट करेंगे तो आपको वहां पे दिखा लिखा आ जाएगा कि कितने व्यूज आए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट दे रखी है कि 17/8/2022 को वेनेसडे को सब्सक्राइबर नहीं मिला, ठीक है। वीडियोस व्यूज इतने वीडियोस व्यूज भी नहीं मिले, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं हुई। उसके बाद 18 तारीख को इनको इतने सब्सक्राइबर मिले, इतने वीडियोस व्यूज हैं यहाँ पे, इतने व्यूज मिले इनको 3,38,942। ऐसे आप देख सकते हैं ये 26 तारीख को इनको 10,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे इंक्रीज हो गए इनके, ठीक है, 1.6 मिलियन हो गया जो पहले 1.59 था। व्यूज इतने बड़े और इतनी अर्निंग हुई। डे बाय डे का यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यूट्यूब एनालिटिकल हिस्ट्री फॉर टेक्निकल योगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक जो आपके मंथली में कितने वीडियो व्यूज आए हैं उसका ग्राफ है ये कि किस तारीख को कितने व्यूज मिले हैं इनको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ काफी ज्यादा गया है, मतलब इस दिन इनको अच्छे व्यूज मिले हैं 20 तारीख को। उसके बाद ये डाउन हो गया काफी ज्यादा, यहाँ पे 21 तारीख को ये काफी डाउन है, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किस दिन हमारे किस वीडियो पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी व्यूज मिल रहे हैं और किस वीडियो पे कम व्यूज मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस को प्लान कर सकते हैं कि लोग किस तरह की वीडियो को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे इसी तरीके से सब्सक्राइबर्स का है कि किस दिन कितने सब्सक्राइबर मिले, एक मंथ के यहाँ पे दिखा रखे हैं मंथली के, ठीक है, किस दिन कितने मिले वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपका पता लग जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पता लग गई। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ये जो था यूजर समरी का। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस की, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपको शो कर रहा है, 2 महीने में इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि जिस कंडीशन से आपका चैनल चल रहा है, जितनी ग्रोथ से चल रहा है, उस हिसाब से ये प्रिडिक्शन कर देता है कि 2 महीने के बाद आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूज बढ़ जाएंगे, आप गेन कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने चैनल को आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसी तरीके से वर्क करूंगा, अगर इतने ही सब्सक्राइबर इससे ज्यादा बढ़े या इतने बढ़े तो समझ लीजिए आपके चैनल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन अगर इससे कम हुए तो समझ जाइएगा कि आपके चैनल में कुछ कमी है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ कम हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साल, 2 साल, 3 साल, ये हर तरीके का यहाँ पे आपको 5 साल तक का प्रेडिक्ट करके दिखा देता है कि 5 साल बाद आपके चैनल के ऊपर इतने सब्सक्राइबर्स और इतने जो आपके व्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, वो सब यहाँ पे प्रेडिक्ट कर देता है ये। उसी तरीके से ये फ्यूचर सब्सक्राइबर्स का भी प्रेडिक्ट कर देता है कि आज इतने आपके सब्सक्राइबर हैं और कुछ टाइम बाद आपके चैनल पे 27 जुलाई तक, ये सारा प्रेडिक्ट कर देता है ये कि कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ऐसी वीडियोस व्यूज का ग्राफ है नीचे, इसी तरीके से वीडियोस व्यूज का यहाँ पे शो कर देता है। तो ये आप अपनी फ्यूचर वीडियोस के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से वर्क कर सकते हैं जिससे आपके चैनल को ग्रो होने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे है डिटेल स्टैटिस्टिक्स, इस पे क्लिक करेंगे। डिटेल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप देख सकते हैं इसमें भी वही है, डिटेल्ड व्यू है कि इतनी तारीख को आपके 10,000 सब्सक्राइबर इतने इंक्रीज हुए, इतने व्यूज मिले, इतनी अर्निंग हुई, सारा डिटेल में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में पता लग जाएंगी कि इस दिन इस वीडियो पे इतने व्यूज आए, इतने सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। उसी तरीके से नीचे वीकली सब्सक्राइबर गेन्ड, ठीक है, वीक में कितने सब्सक्राइबर आए उसका ग्राफ होगा, वीडियोस व्यूज का नीचे ग्राफ आ गया, कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर्स आए, वीडियोस व्यूज आए, वीकली का भी दिखा रहा है, मंथली का भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो करता है ये डिटेल्ड वाले में। उसके बाद फीचर्ड बॉक्स अभी इनेबल नहीं है ये, ठीक है, अभी ये ब्लैंक है। उसके बाद यहाँ पे सिमिलर चैनल्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये सिमिलर चैनल्स का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर चैनल्स में
यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट्स बाय सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स के हिसाब से दिखा रहा है, मतलब आपके कैटेगरी का जो चैनल है उसके हिसाब से जो अदर चैनल्स हैं उन पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या ग्रेड मिली हुई है उन्हें, ठीक है, वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे यूजर वीडियोज हैं, इस पे क्लिक करेंगे, मतलब आपने अपने चैनल पे जिस चैनल का आप चेक कर रहे हैं उस पे कितनी व्यूज वीडियोस डली हुई हैं, कि क्या क्या वीडियोस डल रही हैं, वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, क्या रेटिंग है, कितने कमेंट्स है, कितनी अर्निंग हुई है। यहाँ पे ये 50 लेटेस्ट वीडियो हैं। अगर आप मोस्ट व्यूड वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हुए हैं इन वीडियोज के ऊपर। तो इनके अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस को प्लान कर सकते हैं कि मेरे जिस वीडियो पे अच्छे व्यूज आए हैं, आप अपने चैनल का चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे जिस वीडियो पे अच्छे व्यूज आए हैं उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। यहाँ पे 50 हाईएस्ट रेटेड वीडियो हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड हैं। यहाँ पे 50 मोस्ट रिलीवेंट वीडियो है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, ये आप चेक कर सकते हैं अपनी समरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लाइव सब्सक्राइबर काउंट है, इस पे क्लिक करके आपको लाइव सब्सक्राइबर्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे अपने चैनल के, जिस चैनल का भी आप चेक करेंगे कि इस पे लाइव कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो है अचीवमेंट्स का, इस पे क्लिक करेंगे तो अचीवमेंट्स में आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं जो सोशल ब्लेड पे रिवार्ड्स दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। अभी इनके चैनल के ऊपर ही आप देख सकते हैं ये जो रिवार्ड्स हैं ये इनके प्रोग्रेस में हैं, और यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये सारे रिवॉर्ड्स ये इन पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप सोशल ब्लेड को यूज कर सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आप अच्छे खासे अपनी वीडियोज की प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सोशल ब्लेड के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।